अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग वीडियो। जनाब, हो गई ईद की तैयारी, कहां तक पहुंची आपकी? एंड ईद की तैयारी आई होप कि आप सबकी बहुत अच्छी जा रही होगी और बहुत से लोगों ने बीच में सब कुछ रेडी करके रख लिया होगा, लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं वो है आपका फेस। तो मैं लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्क, जो कि आप ईद से पहले तकरीबन 15 डेज तक अप्लाई कर सकते हैं और ईद पे आप बस लश्कारे मारेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त मास्क है और सब स्किन टाइप्स के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ले लिया कुकम्बर एंड रोज़ वाटर की ये बॉटल, जो कि ईजीली अवेलेबल है। ये पूरी बॉटल मैंने डाली हूँ, आप हाफ ग्लास के मेजरमेंट कर सकते हैं। उसमें वन कुकम्बर ऐसे मैंने कट करके पीसीस में डाला, क्योंकि इसे ईजीली इसका पेस्ट बन जाएगा। और इसमें मैं डालूँ 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर। इसे अच्छी तरह ग्राइंड करके आपने इस तरह का पेस्ट सा बना लेना है। तो इसमें हम कर लेंगे एक्सट्रैक्ट वाटर को, तो आपको किसी भी स्ट्रेनर की मदद से वाटर अलग कर लेंगे और पेस्ट बिल्कुल नहीं फेंकनी, पेस्ट को आपने सेव रखना है। उसके साथ भी हम कुछ करेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन अभी हमने इस वाटर को ले लेते हैं और वाटर का स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हम वाटर से क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही हेल्दी वाटर है, इसे एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून मैं मिल्क, रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे आप आइस क्यूब ट्रे लेके उसमें आप इसे फ्रीज कर लें अच्छे से, और बाद में आप इसे सेव कर सकते हैं और 15 डेज के लिए भी बना के आप इसे रख सकते हैं। जितनी ज़्यादा दिन में आप बना सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही ये आइस की फॉर्म में आ जाएगी, आप किसी भी एयरटाइट जार लेके उसे फ्रीजर में रख सकते हैं, इसे निकाल के यहाँ से, और डेली एक क्यूब लेके उसे अच्छे से, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद आपने ये आइस क्यूब लेनी है और उसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे रब करना है। इससे ये होगा कि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, स्वेटिंग के इश्यूज जो हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है समर्स में, तो वो लोग ईद पे बहुत मेकअप को तो बिल्कुल उनकी स्किन बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगी। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है कि वो डेली बेसिस पे ये करें कि अपने फेस की आइस क्यूब भी हो जाएगी, उससे फेस टाइट भी हो जाएगा, हमारे पोर्स मिनिमाइज होंगे और जितनी भी डर्ट और क्लीन हो जाएगा, क्लिनजर एज अ क्लिनजर भी ये काम करेगा। तो बहुत ही हेल्दी है ये आपकी स्किन के लिए। जितने भी एक्नी के इश्यूज हैं, वो जिनको स्पेशली बहुत ही खराब और बुरी एक्नी है, तो वो अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई ना करें, सिर्फ एक्नी के जगह पे इसको अप्लाई करें। और वही आइस क्यूब आप दूसरे फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जर्म्स कन्वर्ट होंगे और आपका एक्नी फैलेगा। अब आते हैं हम अपने मास्क की तरफ, जो कि हम अभी इस पेस्ट से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मास्क है, अगर आप थ्रोट समर्स में लगाएंगे तो आपके तमाम स्किन प्रॉब्लम्स का हल इसी एक मास्क में है, क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्क आपके साथ शेयर करना था जो कि तमाम स्किन टाइप्स के लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं, वो क्विक रिजल्ट भी दे और थ्रोट हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्शन भी दे। तो इसमें सबसे पहले जो मैं चीज़ अप्लाई कर रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर रही हूँ, जो कि हमारी स्किन की को टाइटन करेगी और तमाम प्रॉब्लम्स को हल करेगी। इसके साथ मैं लेमन स्क्वीज कर रही हूँ, आपने हाफ लेमन लेके उसे स्क्वीज कर लेना है। और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब इसमें ग्राम फ्लोर। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब ही हनी, और इस सब मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि एक बहुत ही अच्छी फाइन सी एक पेस्ट बन जाए। जैसे कि आप देखें, इसे जितना इजीली मिक्स करेंगे, इसमें कोई ऐसी हमें लिक्विड चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये जो सब चीजें हैं ये सब स्किन के लिए तमाम इश्यूज को सॉल्व करेंगी। और इसके साथ जो हमें समर्स में हमारी स्किन में थोड़ी सी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, ये हमारी स्किन को वो फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि कलर जैसा भी हो तो ये आपकी स्किन को अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल एक्नी फ्री हो जाएगी और जो पैची और हमारे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उन सबको क्लियर करेगी। तो इस पेस्ट थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होगा, लेकिन इस पेस्ट के साथ ये है कि आपके जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन, जहाँ ज़्यादा डैमेज है, आप उस पार्ट पे थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसे डैब डैब करके लगा सकते हैं, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपने इस फॉर्म में इसे फेस पे अप्लाई कर लेना है एंड आप तकरीबन इसको, क्योंकि ये ड्राई होने वाला मास्क बिल्कुल नहीं है कि आप ड्राई हो जाए और स्किन हमारी खिंच जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप इसे 1 आवर लगा लें, जिनको स्किन को ज़्यादा इश्यूज हैं वो एटलीस्ट 1 आवर तो ज़रूर लगाएं, और जिनको माइनर साइज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो 20 मिनट मस्त लगा सकते हैं। तो इस तरह आपको डैब डैब करके लगाना है, जैसे कि अगेन मैं आपको हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह अगर आपको एक जगह पे एक्नी है तो आप उस
जगह आप इस तरह पेस्ट ज्यादा लेके ऊपर रख सकती हैं, जिस तरह हम एज आ किसी भी मेडिसिन को लेके ऊपर लगाते हैं, इस तरह आप उस एक्ने पे रखेंगे। और डेफिनेटली अगर आप 15 डेज यूज करेंगे तो आपको ईद पे बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग ग्लो नजर आने वाला है। और आपने ये नहीं करना, और किसी को भी ये समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने मास्क यूज किया और हमें ये नेचुरल रेमेडीज हैं और इनका एकदम से अगर कोई कहता है बस वन अप्लाई में आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, नो ऐसा नहीं होने वाला। आपको एटलीस्ट इसे 15 डेज जरूर अप्लाई करना है, ईद तक तो मस्ट अप्लाई करें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कंटिन्यूसली भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और आप सब ने मुझे इसके रिजल्ट के बारे में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जरूर बता, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका अकाउंट आपको सामने शो हो रहा होगा। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।